हो सकता है कि कोई अपने वाला ही आपके आसपास घूमने वाला भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उसको कहते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन। उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि अरे वो तो हमको 2 दिन पहले मिला, अच्छा खासा तो था, और उसने कल सुसाइड कर लिया, पता ही नहीं लगा। ऐसा क्यों? कुछ मालूम तक नहीं हुआ, अभी तो मिला था। तो ये लोग जो है ये स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये जो लोग हैं एक्चुअली ये सफ़र करते हैं डिप्रेशन से, उनको अंदर से पूरे डिप्रेशन के लक्षण रहते हैं, मगर बाहर से वो स्माइलिंग करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बाहर के लोगों को लगता सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अंदर से वो कूदते रहते हैं, घुटते रहते हैं। अंदर से जैसे डिप्रेशन के उनको सिम्टम है, वो सिम्टम उनको रहते हैं जैसे कि सुस्ती आना, थकान आना, फिर कोई काम में इच्छा न होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई काम में मजा ही नहीं आना, वजन में या भूख में बदलाव, नींद नहीं आना, निराशावादी दृष्टिकोण, निगेटिव थिंकिंग, ये सब बातें उनमें रहती है। उनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, मगर उनको ऐसा लगता है कि मैं घर का बड़ा आदमी हूँ या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ऐसा कैसा बोलना कि मुझे डिप्रेशन है या अच्छा नहीं दिखता है। वो बोलते नहीं है, बाहर शेयर भी नहीं करते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे कोई कारण है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस है, पैसे उन्होंने बहुत लॉस किए हुए और पैसे की तंगी आ गई, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, फेल हो गया बिजनेस, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेट हुए, डिवोर्स हुआ है, नौकरी में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स है वातावरण में और उनके वजह से वो डिप्रेस है, या कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो और उनको डिप्रेशन है, जिसको बोलते हैं एंडोजेनस डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, डोपामिन सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाती है और फिर उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। स्पेशली लोग बाहर से तो मालूम पड़ता ही नहीं है, वो काम करते रहते हैं, ज़बरदस्ती अपने को खींचते रहते हैं और अंदर से घुटते रहते, बाहर बोलेंगे नहीं कि भाई मुझे ऐसा हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा बोल दिया तो लोगों को क्या लगेगा, अरे इतना बड़ा आदमी ऐसा कैसा डिप्रेस हो सकता है, इतना बड़ा आदमी ऐसा कैसा कर सकता है। वो हो सकता है कि आपके साथ में 2 दिन पहले पार्टी में हो और बाद में सुसाइड कर लिए, हो सकता है कि बाद में उसने आत्महत्या करके वो या एडमिट हो गया या प्रॉब्लम आ गया, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि भाई क्या आपके आसपास के लोग जो है, जो आपको मिलते रहते हैं, क्या उनमें कुछ बदलाव आया हुआ है, उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आया हुआ है। अभी मुझे एक मेरे बहुत अच्छे परिचित है और वो व्यक्ति मुझे मिले और उनके बोलने में मुझे ऐसा, अभी बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, मुझे उनके बोलने में मुझे कुछ लगा कुछ तो भी गड़बड़ हो रही, ये बराबर बात नहीं कर रहे, कुछ तो भी लिंक टूट रही है 2 सेंटेंस में की बीच में कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, और फिर कुछ तो बोलेंगे नहीं क्या पढ़ा है और बहुत ही निगेटिव बातें करने लगे, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। अभी वो फैमिली के भी मतलब परिचित है, फैमिली भी उनकी परिचित है, तो मैंने बोला इनके घर में बोलना नहीं बोलना, मैंने खुद होके खुद डॉक्टर हूँ और ऐसा किसको बोलना तो भी अच्छा लगता नहीं है, मैंने जान दो अपना बोलना काम है। तो मैंने उनके घर पे फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है, प्रॉब्लम लग रहा है। नहीं नहीं बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उनके मिसेस ने बोला। मैंने ठीक है नहीं है तो, मगर मैंने बोलने का मेरा काम किया। 3 दिन बाद में रात को 1 बजे मुझे कॉल आया कि भाई वो कैसा था, अभी कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और उनको बुखार आया हुआ है और उन्होंने खाना भी नहीं खाया दिन भर, और अभी आप आ जाओ। मतलब क्या होता है कि वो सस्टेन कर रहे थे, उनका जो प्रॉब्लम दिमाग में चल रहा था उसका फाइटिंग कर रहे थे अंदर से, जैसे ही बुखार आ गया उनकी प्रतिकार शक्ति कम हो गई और उसमें वो टूट गए। तो ये येलो अलर्ट्स, इसको बोलते हैं येलो अलर्ट्स, ये हमको मिलते रहते हैं कुछ ना कुछ की नहीं, कुछ से भी गड़बड़ हो रही है इसमें। तो हमने आसपास के लोग, इसलिए ये एजुकेशनल वीडियो है, ये लोगों को आप शेयर करो कि भाई आपके आसपास में लोग जो है उनमें कुछ आपको बदलाव दिखता है क्या, तुरंत उनको साइकोलॉजिकल हेल्प लेने की, प्रोफेशनल हेल्प लेने की सलाह दो या आप खुद कॉन्टैक्ट करो, कुछ ना कुछ करना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आता है। तो ये है स्माइलिंग डिप्रेशन, और स्माइलिंग डिप्रेशन से प्रॉब्लम हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है। एक तो इसमें उनको काउंसिलिंग करो,
जो प्रॉब्लम है उसके बारे में चर्चा करके उसमें से क्या रास्ता निकल सकता है वो देखो। और एंटी डिप्रेशंस हम देते हैं, तो एंटी डिप्रेशंस मतलब SSRI है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस है वो देते हैं, तो डेफिनेटली बुप्रोपियन जैसे भी नए ड्रग निकले, मोडाफिनिल है, तो ये ड्रग्स बहुत फ़ायदा होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।